बिल्कुल नीरज जी, और आप जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप की बात कर रहे हैं क्रेडिट स्विस की, वो तो डिफॉल्ट इंडिकेट कर रहा है। एक्चुअली वही कह रहा हूं मैं सरप्राइज हूं कि दुनिया भर का जो काला धन है वो स्विट्जरलैंड में छुपा हुआ था इतने सालों में, इनको कहां से लिक्विडिटी क्राइसिस हो गई? जो सबसे बड़ा लिक्विड देश है पैसों के मामले में, उसको लिक्विडिटी क्राइसिस हो रही है। आयरनी है, इन्होंने एफडी कितने पे करी है? 6.5% पे। एक साल पहले तक एसबीआई नहीं देता था, और आप 6.5% पे एफडी ले रहे हैं, उसके बावजूद $100 बिलियन निकल गए। ये स्थिति है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सिचुएशन बहुत गंभीर है। एब्सोल्युटली। चलिए अब अगले दो आपके बचे हैं। तो नीरज जी, दो स्टॉक्स जो देखने आज जरूरी हैं, सबसे पहले मदरसन सूमी, और सूत्रों के हवाले से हमको ये खबर आ रही है कि यहाँ एक आज बहुत बड़ी ब्लॉक डील हो सकती है। आपको याद है तो जनवरी में सुमितोमो वायरिंग ने अपने शेयर्स बेचे थे, 90 दिन का वो लॉक इन खुल गया है, और फिर से देखिए जैसे ही लॉक इन खुला वैसे ही सुमितोमो वायरिंग यहाँ अपना हिस्सा बेचने के लिए आए हैं। लगभग 23 करोड़ शेयर्स 1650 करोड़ के वर्थ के आज वो मदरसन सूमी में बेचेंगे, और जो फ्लोर प्राइस है वो 70 रुपीज़ पर शेयर के आसपास रखा गया, यानी करंट मार्केट प्राइस से लगभग 9% डिस्काउंट पे ये सौदा हो सकता है। ऑब्वियसली 9% तक की रेंज है, उसके आगे पीछे सौदा होगा, लेकिन जिस हिसाब से पिछले 10 ब्लॉक डील्स हुई हैं नीरज जी, लोगों के पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, और मार्च का महीना होता है तो जो HNIs होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो ब्लॉक को खरीदते हैं वो इंट्राडे कोशिश करते हैं कि बेच दें, क्योंकि उनको किसी को शेयर घर पे नहीं ले जाने हैं। तो इस चीज़ में क्या होता है कि स्टॉक जहां ब्लॉक डील होती है उससे नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो इसीलिए शायद आज एक लाल निशान के साथ, एक रेड बायस के साथ आपको संवर्धना मदरसन सूमी का शेयर ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़े। तो ये एक स्टॉक है जो आप अपने रिडार पर रखें, लाल निशान में ट्रेड होगा। दूसरा पतंजलि, इसमें फ्रीज कर दिया है, वो स्टैच्यू, मतलब वो योगा में होता है ना, ध्यान, स्टैच्यू बोल दिया है अभी। अच्छा, वैसे खड़ा रहने का एक्सचेंज ने क्योंकि पतंजलि ने जब रुचि सोया का अधिग्रहण किया था तभी उनकी जो शेयर होल्डिंग थी, उसके बाद उन्होंने FPO किया, तो जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर थी उसके बाद जो पतंजलि के प्रमोटर्स हैं इंक्लूडिंग बाबा रामदेव, उनकी शेयर होल्डिंग 80% है, लेकिन जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म है ये कहती है कि पब्लिक का फ्लोट 25% होना चाहिए और प्रमोटर का फ्लोट 75% से नीचे होना चाहिए। और अगर हम एक्सचेंजेस की बात करें तो क्योंकि ये स्टेक घटाया नहीं है टाइम लिमिट के अंदर, तो इन्होंने प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग फ्रीज कर दी है, और जब तक शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव नहीं होंगे तब तक होल्डिंग भी फ्रीज रहेगी और कंपनी के प्रमोटर्स को पेनल्टी भी भरनी होगी स्टॉक एक्सचेंजेस को। तो ये एक स्टॉक है जो थोड़े बहुत प्रेशर के साथ आज खुल सकता है। ओके, मेरे नेक्स्ट 3 स्टॉक बिल्कुल सिंपल थ्योरी है, KPIT टेक, इंफोसिस और टेक महिंद्रा लाल में रहेंगे। IT में भी प्रेशर अभी कंटिन्यू रहेगा क्योंकि जो दुनिया भर के मूड खराब हुआ है ना वो अभी सुधरा नहीं है, तो जहाँ जहाँ लोगों को प्रॉफिट मिलेगा वहाँ वहाँ दबाव देखने को मिलेगा। तो 3 IT स्टॉक और 3 बैंक स्टॉक रेड में रहने की संभावना। छोटा सा एक ब्रेक, ब्रेक के बाद अगले चाचा स्टॉक्स। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।